मोहम्मद आसिफ ने एक सवाल उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी जो है वो आपको कैसी नजर आती है, आपके पास हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, ईशान उल्ला हैं और बहुत सारे खिलाड़ी आपके पास हैं, तो ये आपको कैसे नजर आते हैं। आसिफ का जवाब था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो गेंदबाज हैं वो सब एवरेज हैं, इनमें से किसी के अंदर भी कोई ऐसी एक्स फैक्टर वाली खासियत नहीं है। और ये बात वो तब कहते हैं जब वो जानते हैं कि शाहीन और हारिस दोनों वहां मौजूद हैं। अब ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, आप लोग क्या सोचते हैं हमें आप ये जरूर बताएगा। खासतौर पर हसन अली को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत बोल्ड था। उन्होंने कहा कि हसन अली का सिलेक्शन टीम में सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो बाबर आजम और उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके साथ दिन भर खाते पीते उठते बैठते रहते हैं। उनका सिलेक्शन उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं हुआ है, वो उस दोस्ती यारी के बेस पर हुआ है जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से रही है कि कप्तान के साथ अगर आप उठते हैं बैठते हैं। तो दोस्तों फुल रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक मिनट तक आगे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि अब दुनिया को अपनी बॉलिंग से हिला के रख देने वाला पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसमें उसका कहना है कि करंट टीम में जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर खेल रहे हैं शाहीन, हारिस और नसीम शाह, वो एक एवरेज बॉलर हैं। इसकी जगह शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ होते तो वो इस वक्त स्पेशल होते, जिनकी दुनिया तारीफ करती है, जिनकी बॉलिंग की दुनिया तारीफ करती है, वो इस वक्त उनको एवरेज बॉलर कह रहे हैं। और मोहम्मद आसिफ ने एक अजीब बयान दिया है इस वीडियो में, आगे चल के आप देख सकते हैं। किंग ऑफ क्रिकेट, जिसको क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन है बाबर आजम, उसके बारे में उसने कहा है कि इस एज में भी मैं उसको मेडन ओवर करा सकता हूं, वो मेरा एक बॉल भी बल्ले से टच नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों आगे रिएक्शन वीडियो की तरफ। हाय जी, उस आसिफ ने पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, खासतौर पर कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा दी। ट्विटर में स्पेस में उन्होंने चर्चा की और उसके बाद जो जो बातें उन्होंने बाबर आजम और टीम को लेकर कही है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक्चुअली में सेटबैक है। काफी कुछ कह दिया, इतना कुछ कह दिया कि पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होना पड़ा। ईशान उल्लाह जैसे खिलाड़ियों को तो ट्विटर पर उन्होंने खुलेआम गालियां दे दी। हाँ, एक घटना का जिक्र होता, हमें लगा वो बताते क्या क्या बड़ी बातें आसिफ की तरफ से कही गई हैं। जी, हम लोग तो बॉलर हैं, आसिफ मैजिशियन था, एक ही जगह से गेंद अंदर आती थी, बाहर जाती थी। शोएब अख्तर की ऐसी कुछ लाइनें जो हैं ये मोहम्मद आसिफ को एक नए सिरे से डिफाइन कर जाती है। एक आदमी जो मैच फिक्सिंग के आरोप में बैन किया जाता है उसे हीरो बनाने लगती है। वैसे भी हम एशियन कंट्रीज में बड़ा फेमस है कि हमारे यहां विलन जो होता है उसे एक वर्ग हीरो के तौर पर देखता है, लेकिन मोहम्मद आसिफ में कई ऐसी खूबियां थी जो उन्हें हीरो बनाती थी। आईपीएल में भी उन्होंने खेला, मेडन ओवर डालना हो T20 क्रिकेट में, मेडन ओवर डालना हो या वो द्रविड़ लक्ष्मण को बोल्ड मारना हो, पीटरसन, डिविलियर्स, तमाम खिलाड़ियों को शिकार बनाना हो, कुछ खास था उसमें जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया और इफ बट के बीच में रह गया। लेकिन जिस आसिफ की तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम लोग इतने कसीदे पढ़ते हैं और तमाम पाकिस्तानी दिन रात ट्वीट करते हैं कि यार हमारा उनकी लॉबी का हिस्सा है, तो फिर आपको साथ में खींचा जाएगा, जहां मौके मिलेंगे वहां पर आप भले एवरेज हो आपको टीम में घुसेड़ दिया जाएगा। और यही कहानी उन्होंने कहा कि इन जन आपको लेकर मिली। अब हसन अली के दिल पे क्या बीती होगी वो हमें पता नहीं, लेकिन ये दो स्टेटमेंट पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स और लोगों को झटका जरूर दे रही होंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि एवरेज बॉलर हमारे पास हैं, कोई खास नहीं है, और यहां सिलेक्शन जो है वो दोस्ती यारी पे हो रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई है आसिफ की तरफ से वो बाबर आजम को लेकर है। कहा गया कि यार बाबर आजम जो है ना वो एक एवरेज कैप्टन है और बहुत खास कैप्टन नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छा कैप्टन नहीं मानता, बस पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसे आप कैप्टन बना सके। हाँ, वो शाहीन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कप्तान बनने की, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है और ये इतना आसान नहीं रहने वाला उसके लिए, सो ये एक समस्या हो गई है। हालांकि बाबर आजम को लेकर उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम जो है वो टुक टुक खिलाड़ी है और टुक टुक तरीके से खेलता है, बाबर आजम को T20 क्रिकेट बेहतर करना पड़ेगा। जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि मैं बाबर आजम को आज भी मेडन ओवर डाल सकता हूं, बाबर आजम को मैं आज भी T20 क्रिकेट में मेडन ओवर डाल सकता हूं, अगर आप बाबर आजम को अच्छी डिलीवरीज डालते हैं तो बाबर आजम की हैसियत नहीं है कि वो आज भी गेंदों को मार सके। अब ये बात पाकिस्तान और
दुनिया की नंबर वन ओडीआई प्लेयर के लिए हो रही है, अभी तो नंबर वन ओडीआई प्लेयर वही है काफी दिनों से, 800 दिन से ऊपर है। सो उनको लेकर T20 में कमेंट करना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोग कहते भी हैं और पाकिस्तान का वर्ल्ड क्रिकेट में कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो काफी टाइम लेते हैं T20 क्रिकेट में, थोड़ा टुक टुक खेलते हैं, समय लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो उसको लेकर आसिफ का ये क्लियरली बोल देना कि यार T20 क्रिकेट में शॉट नहीं मार सकते और मैं 38-39 साल की उम्र में उनको मेडन ओवर डाल सकता हूं, बाबर के बल्ले से तो रन ही निकलेंगे अगर आप उनको अच्छी डिलीवरी डालेंगे, एक एवरेज कैप्टन है जिसके रिप्लेसमेंट नहीं इसलिए वो टिका पड़ा है। इस पूरे उसमें आसिफ की तरफ से और बहुत बड़ी बड़ी बात है, जैसे कि उन्होंने बताया कि यार बाबर आजम जो है वो उनको मैंने सेलेक्ट किया था जब वो आ रहे थे ZTBL ट्रायल में, उनका क्या आप जाकर उनके पापा से पूछेगा कि किसने सेलेक्ट किया था, मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने उसे 2 बॉल खिलवाई थी और 2 बॉल खेलने के बाद मैंने ही कहा था और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि एक लड़का आगे जाएगा। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि यार बहुत डॉट बॉल खेलता है, पावर प्ले में इतना टुक टुक खेलेगा तो कैसे चलेगा, रिजवान पर वो प्रेशर बढ़ाता है, रिजवान के ऊपर सारा प्रेशर क्यों आता है। आगा अली सलमान को लेकर कहा गया कि यार इसको तो मैं खिलाड़ी नहीं मानता, ये तो खिलाड़ी है ही नहीं, ये पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, इसे खिलाड़ी मत बोलिए आप, ये फालतू प्लेयर है जो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो कहते हैं कि आगा अली सलमान से ज्यादा रन तो मैं बना सकता हूं, हाँ ये इनके स्टेटमेंट है कि ना वो बैटिंग कर पाता है ना वो बॉलिंग कर पाता है और उसके बल्ले से तभी रन निकलते हैं जिस मैच में पाकिस्तान ठीक ठाक रन बना चुका होता है, अदरवाइज उसके बैट से रन वन निकलता नहीं है एंड ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। शाहीन शाहफरीदी को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा यार शाहीन शाहफरीदी को नेपाल के सामने या वेस्टइंडीज सामने या बांग्लादेश सामने नहीं खेलना चाहिए, छोटी छोटी टीमें इनके खिलाफ खेलकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक फास्ट बॉलर के तौर पर फिटनेस बहुत जरूरी है, ऑलरेडी आप लोग इतना पैसा वैसा के लिए